अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, इस वक्त जो है ज़्यादातर सिंध पुलिस के हवाले से जो है सवाल होते हैं या फिर सिंध पुलिस के हवाले से जो है अपडेट जो है उसके लिए कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। सिंध पुलिस में इस वक्त काफ़ी वैकेंसी जिसमें SSU है, उसके अलावा हमारे पास SSU को छोड़ के SSU में ही इलेक्ट्रिकल है, और उसके अलावा जो है हमारे पास पुलिस कॉन्स्टेबल जिनकी जो अभी कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट दिया है और वो कैंडिडेट जिनका इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, तो वो सारे जो है अपडेट्स हर कोई चाहता है और वो अपडेट लेना चाहते हैं इस हवाले से। तो सिंध पुलिस का जो है रिटन का टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पास हुए। मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया था और सारी चीज़ें, मैंने एक क्राइटेरिया भी आपको बताया था कि किस क्राइटेरिया तक, किस जो है रेंज तक मेरिट लिस्ट जा सकती है, और मैंने आपको एस्टिमेटेड से 50 to 60 बताया था, यानी 40 to 55 वाले तो ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि वो लोअर कैटेगरी में है, क्योंकि इस वक्त जो टेस्ट का रिजल्ट है वो हाई लेवल पे 100 में से 100 मार्क्स हैं, 99 है, 98 है, 95 है, तो ये जो है कंपटीशन बहुत हाई था इस टेस्ट में, और इसी कंपटीशन की वजह से जो है वो ज्यादातर कैंडिडेट्स शायद जो 50 से कम हैं या 55 तक हैं वो इसमें सिलेक्ट ना हो सके, लेकिन इंटरव्यूज़ होंगे। पास कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादातर उनके इंटरव्यूज़ होंगे, और इंटरव्यूज़ होने के बाद ही जो अगर वो अहल हैं इंटरव्यू को पास कर देते हैं और तो वो ज़रूर यकीनन जो है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। और इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में के हवाले से कि भाई इंटरव्यू में क्या चीज़ें, इंटरव्यू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली मेन चीज़ हर कोई जो हर इंटरव्यू में, सिर्फ ना सिंध पुलिस बल्कि जो भी इंटरव्यू होता है उसमें बेसिक जो आपको चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपका इंट्रोडक्शन, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सिंध पुलिस, यानी इसी तरह हो सकता है वो उर्दू में पूछें, सिंधी में पूछें, बेसिकली सिंध पुलिस में सिंधी या उर्दू में ही पूछ लेते हैं, ठीक है, वो जो लैंग्वेज होती है लड़के की तो उसी को देख के ही वो उससे सवाल पूछते हैं। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा देना है, उसके बाद जो है आपको कोई ऐसे लिखवाया जाता है तो ऐसे आपने लिखना होता है, ऐसे की कुछ जो है वो मार्क्स होती हैं वो भी जो है इंटरव्यूअर वहाँ पर देखता है कि इसकी जो है राइटिंग, स्पेलिंग और सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं, वो इंटरव्यू वो जो है वो सिंधी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, ऐसे वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस लैंग्वेज में वो जो इंटरव्यू का जो ऐसे है वो दे रहे हैं। ये होने के बाद फिर आपकी जो है वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई पहले भी होते हैं, उसके अलावा इंटरव्यूज़ के बाद भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी वो कैंडिडेट्स जो के प्रेफरेंस में आते हैं, जो कि सिलेक्टेड होने के जिनके चांसेस होते हैं, फिर उनका मेडिकल होता है। अब मेडिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी फोर्सेस की जॉब्स होती हैं मेडिकल में अगर आप क्लियर कर देते हो तो यकीन ऑलमोस्ट जो है 90 to 95% ये हो जाता है कि भाई अब आपका मेडिकल क्लियर है तो आपकी सिलेक्शन पक्की और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी ऐसे की प्रिपरेशन करें, राइटिंग की प्रिपरेशन करें, अच्छा लिखने की कोशिश करें, अच्छा बोलने की कोशिश करें, ताकि जो जब आप सामने बोलें किसी के तो उसको मोटिवेट कर सकें, उसको इंस्पायर कर सकें और वो समझे कि इसके अंदर को कुछ ना कुछ आता है और ये इस बात के लिए अहल है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें सिंध पुलिस के इंटरव्यूज़ के हवाले से थी, और इंटरव्यू कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो कब जो है होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कब होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है नवंबर की लास्ट वीक्स में, ठीक है ना, नवंबर के लास्ट वीक्स में अगर ये जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे और इंटरव्यूज़ होंगे तो इंशाल्लाह आप ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो मेरे ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड शेयर कर देता हूँ, वरना तो आपकी जो है ये वीडियोज़ भी आप देख लेते हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस तो मिलती होगी। तो होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।